हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंदन सा एक्सपेरिमेंट। तो आज सिंपली हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला है। आज सिंपली हम करने वाला है जो हमारा फ्रीडिश का सेटअप बॉक्स रहता है उसमें सिग्नल प्रॉब्लम आता है किसी चैनल में, जैसे कि सिग्नल आता है किसी में नहीं आता है, तो उसे सिंपली कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सिंपली आज वीडियो में वही हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किसी सेटअप बॉक्स में जो नो सिग्नल या फिर सिग्नल वीक सिग्नल प्रॉब्लम आता है उसको कैसे रिपेयर करें। सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसको रिपेयर कैसे करना है वो बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें हमारा सिग्नल जो है वो सिग्नल क्वालिटी 53 आ रहा है। ये अगर हम दूसरे चैनल पर लगाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो है कम आएगा या फिर वीक सिग्नल शो करेगा। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि हमने अगर चैनल को चेंज कर दिया इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारा सिग्नल बिल्कुल ही नहीं आ रहा, देख सकते हैं आ रहा है चले जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम जो है इसको कैसे रिपेयर किया जाए या फिर इसको कैसे ठीक करेंगे यही वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले आपको जो आपका सेटअप बॉक्स है ये इसे ओपन कर लेना है चारों साइड से। हम भी इसे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं इसका स्क्रू वगैरह जो है इसे ओपन कर लेना है। इस तरह से जो आपको आपका ये सेटअप बॉक्स को जो ओपन कर लेना है, ये देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया। एंड इसके बाद गाइज ये देख सकते हैं ये जो हमारा किट है ये वाला जो है हमारा, इसी किट के फॉल्ट के वजह से हमारा सिग्नल में जो है प्रॉब्लम आता है। तो ये देख सकते हैं हमने एक नया किट जो ले आया है, ये आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा। आप मार्केट में बोले फ्रीडिश का करंट सप्लाई वाला किट दीजिए तो ये किट आपको दे देगा। इसका कॉस्ट आपको 80 रुपीज पड़ेगा, तो ये किट आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसी को सिंपली इसके जगह पर रिप्लेस कर देना है और जैसे कि कनेक्शन है ये पॉजिटिव नेगेटिव कर देना है, उसी तरह हम सिंपली करते हैं। इसमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसमें आपको जो करना है उसे आप कर सकते हैं जिसमें जिसको करना है। यहां से सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। एक सेकंड, हमने इसे हटा लिया एंड इसका नट को भी हमने खोल लिया। ये देख सकते हैं ये वाला किट, इसी को हमें चेंज कर देना है। तो सबसे पहले इसका जो सोल्डिंग है इसे हटा लेते हैं सोल्डर की मदद से। शोल्डर की मदद से इसे हटा लिया है।
इसका ये वाला कनेक्शन जो है यहां पे कर देना है। समय यहां पे हो चुका है, अब इसे जो हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो गाइस हमने देख सकते हैं दोनों जो है ये सोल्डिंग कर दिया है, दोनों तार को देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो है इसका हम ढक्कन को लगा देते हैं। ये हमने ढक्कन को लगा दिया, अब इसका जो स्क्रू को कसते हैं उसका, इसको लगा के चला के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा सिग्नल प्रॉब्लम जो है ठीक हो चुका है, देख सकते हैं फुल सिग्नल है, 30-32, 30-32 सिग्नल का प्रॉब्लम हमारा जो सॉल्व हो चुका है। ये और भी आपको चैनल जो हम चेंज करके दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल पे भी सिग्नल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो कुछ समझने को मिला हो कि कैसे ठीक है ऐसा कैसे रिपेयर किया जाता है, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है आपको नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपको नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ।